पहुंच गए हैं द्वारकाधीश बहुत ही लंबी जर्नी के बाद में। और मेरा नाम है विपुल और अब हम यहां से जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर। और अभी हम जहां पर खड़े हैं वो है यहां का बस स्टैंड, जहां से आपको द्वारकाधीश के लिए सभी जगह से बसें यहां पर आती है और जाती है। और इसके आसपास में भेड़ द्वारिका और मीठापुर और आसपास के सभी जगहों के लिए यहां से आपको बस मिल जाएगी। तो अभी हम यहां से बस 5-10 मिनट में निकलेंगे, तो सीधा हम आपको लेके चलेंगे द्वारकाधीश मंदिर, जहां से हम उसके आसपास की और भी अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं द्वारकाधीश के मेन मंदिर के सामने, जो कि आप देख ही रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है और चारों तरफ इसमें मार्केट वगैरह भी है और बहुत ही अच्छी ध्वजा यहाँ पर लगती है। एक दिन में 5-7 बार यहाँ पर ध्वजा चढ़ाई जाती है और उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छी पूजा वगैरह होती है, रात को आरती होती है। और बाहर की तरफ जो आसपास की जगह हैं वो भी बहुत सुंदर है। तो अभी हम यहाँ पर अपना मोबाइल और जूते वगैरह यहाँ पर हमको उतारने पड़ेंगे और मोबाइल यहाँ पर जमा कराएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। और उसके बाद मंदिर से आने के बाद में हम आपको लेके चलेंगे मंदिर के पीछे की तरफ गोमती घाट पर, जहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी नदी है, बहुत ही अच्छा समुद्र है। तो चलिए दोस्तों हम दर्शन करके फिर से आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के बाद में अब हम आए हैं गोमती घाट की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। और ये हम आपको धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। ये जो दोस्तों आप नदी देख रहे हैं, ये इसमें सभी जने नहाते भी हैं और पूजा वूजा भी करते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। तो ये बिल्कुल मंदिर के पीछे की तरफ ही है और इसको गोमती घाट बोलते हैं। और सीधे सीधे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर अरब सागर और गोमती नदी, ये दोनों मिलती हैं। और अरब सागर का जो पानी है वो जब भी बढ़ता है तो गोमती नदी का जो पानी है वो भी बढ़ जाता है, और जब ये फिर से खाली होता है समुद्र तो ये भी साथ साथ में खाली हो जाता है। तो ऐसा ये हर रोज होता है। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है और सभी लोग यहाँ पर मछलियों को आटा खिलाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने जैसी। देख रहे हैं ये है अरब सागर, जो कि इस गोमती घाट और अरब सागर दोनों एक हो जाते हैं। ये जब इसमें पानी बढ़ता है तो पानी इसमें भी बढ़ जाता है। मंदिर आप देख रहे हैं यह है समुद्र नारायण जी का मंदिर, जहाँ के अंदर जाते हैं और बहुत ही अच्छी अंदर मूर्ति वगैरह भी है, तो आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। समुद्र नारायण का मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे ही समुद्र है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ताली ना होए जो ताली पाड़ो तुम्हारा श्याम नीरे, बीजी ताली ना होए जो
द्वारका की फेमस समोसे की दुकान। यहाँ पर जब भी आप द्वारका आए तो यहाँ पर समोसे जरूर खाएं। समोसे हैं, पैटीज है, बहुत ही बढ़िया दुकान है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब हम आए हैं बृगेश्वर में, जो कि द्वारका मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं पीछे कितनी जबरदस्त लहरें उठ रही हैं, और बृगेश्वर जी महादेव का मंदिर है सामने की तरफ। आइए देखते हैं अंदर से। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जाने। दोस्तों अभी हम हैं बृगेश्वर जी महादेव, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है, और आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची लहरें आ रही है अभी। तो हम लोगों को बोला कि आप लोग ऊपर चले जाइए, क्योंकि वहाँ खड़े रहना थोड़ा सबना दा रखवाला वो शिव जी, डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला, ऊपर कलास रेंदा भोलेनाथ जी। तरमिया जो तार दा शिव जी, पापिया जो मार दा जी पापिया जो मार दा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डमडम डमडम बज तो जाए रे हो, नमः शिवाय शंभो। तो दोस्तों अब हमारा द्वारकाधीश का सफर यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे सॉल्ट सिटी मीठापुर, जहां से हमारा टाटा नमक बनता है और हम तक पहुंचता है, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।